हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं KTM Duke 390 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, कि आप लोगों को दोस्तों ये बाइक किस पर्पस के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली खुद Duke 390 यूज़ करता हूँ। मेरे पास खुद के पास Duke 390 है BS6 वेरिएंट, जिसको मेरे को लिए लगभग 6 मंथ के आसपास हो चुके हैं। 6 महीने मैंने बाइक को यूज़ कर चुका है। मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, वो चीज़ भी मैंने इसमें ऐड की है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से बता सकूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस बाइक को लेकर, आप लोगों को क्या ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं KTM Duke 390 के बारे में, जो कि ऑब्वियसली बात है 300-400 सेकेंड में इस बाइक का बहुत ज़्यादा नाम है और इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। गाइस इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले बाइक के प्राइस के बारे में। भाई प्राइस हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गाइस इस बाइक का जो अब एक्सरूम प्राइस आ रहा है हमारे यहाँ लगभग 2,75,600 रुपीज़, 2,75,600 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस आ रही है। बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। गाइस ध्यान रखिए, ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 3,25,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस आ रही है। 1-2 हज़ार रुपये इधर उधर देखने को मिलेगा। अब आप लोगों की सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक के एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मुझे इस बाइक में अच्छी लगी, उसके बाद बात करेंगे कि बाइक में क्या डिसएडवांटेज भी है। गाइस सबसे पहली बात बाइक में मुझे जो अच्छी लगती है, गाइस वो हर किसी को अच्छी लगती है, वो है बाइक की पावर प्लस परफॉर्मेंस। गाइस ड्यूक 390 में मैंने एक चीज फेस किया है कि बाइक का जो पावर एंड परफॉर्मेंस है ना गाइस, वो काफी ज्यादा यूनिक है। यूनिक मतलब ये कि मतलब बाइक आप हल्का सा थ्रॉटल क्या दोगे, बाइक सट से एकदम भगती है। मतलब कहने का मतलब ये कि बाइक का जो पावर रिस्पॉन्स है, मतलब बाइक का जो पिकअप है ना गाइस, वो काफी नेक्स्ट लेवल वाला है। मैंने डोमिनार 400 भी चलाई है, मैंने अपाचे RR 310 भी चलाई है, मैंने BMW 310R भी चलाई है। मुझे किसी भी बाइक में ऐसा पावर फील नहीं हुआ जो कि KTM की ड्यूक 390 में होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि इस ड्यूक 390 चलाने के बाद मैं KTM की जब ड्यूक 250 है, ड्यूक 200 चलाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है। मतलब आप इस बात को समझिए, अगर आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा पिकअप एंड पावर वाली बाइक चाहिए, तो KTM ड्यूक 390 से अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 3 लाख रुपीज़ या 3,25,000 रुपीज़ के बजट के आसपास अगर आप कोई बाइक देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ड्यूक 390 पावर प्लस परफॉर्मेंस में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज मुझे लगा गाइस, जो कि मैं खुद यूज कर रहा हूं, आपको पता है वो है बाइक की ब्रेकिंग। गाइस KTM की जो बाइक्स होती है, इनकी जो ब्रेकिंग होती है ना, वो भी काफी नेक्स्ट लेवल वाली होती है। मैं आपको बता दूं KTM Duke 390 में डुअल चैनल ABS आता है, फ्रंट में 4 कैलिपर आते हैं, 320mm की प्लेट आती है, साइज काफी ज्यादा बड़ी है। इस वजह से दोस्तों बाइक का जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है Duke 390 का, वो काफी अच्छा है। एंड ये बात मैं ही नहीं कह रहा, आप लोग जितने भी यूट्यूबर से पूछेंगे या उनकी वीडियो देखेंगे, तो वो सभी लोग यही बात आपको बताएंगे कि KTM की जो बाइक्स होती है, उनका जो ब्रेकिंग होता है वो काफी बेटर होता है, काफी नेक्स्ट लेवल वाला ब्रेकिंग होता है। अगर आप इसकी कंपेयर बजाज या यामा से करोगे, तो भाई वो लोग कहीं नहीं लगते इनकी ब्रेकिंग के सामने। तो मेरे हिसाब से दोस्तों Duke 390 की आपको जो ब्रेकिंग मिलेगी, वो भी बहुत ही बेटर देखने को मिल रही है। बाइक में जो नेक्स्ट चीजें अच्छी लगी गई, वो है बाइक का इंजन। जैसे आपको बताया कि KTM की बाइक्स में DOSC इंजन मिलता है। गाइस देखिए, ये बाइक जो होती है महंगी इसलिए होती है क्योंकि इनमें DOSC इंजन आता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि बाइक में टैपेट का कभी साउंड नहीं आता, टैपेट का, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जब हॉर्नेट थी तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आता था, इंजन इरिटेशन करता था। बट एक्चुअल में वो SOS इंजन में आवाज़ आता है। जो DOSC इंजन आता है उसमें कभी आपको ऐसी आवाज़ नहीं मिलेगी। प्लस DOSC इंजन की खास बात ये होती है दोस्तों कि बाइक ना काफ़ी कूल रहती है। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा, और BS6 वैसे काफ़ी स्मूथ है, लेकिन DOSC इंजन होने की वजह से भी ये चीज़
आपको काफी बेटर इसमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में गाइस, तो वो है बाइक के फीचर्स। गाइस आपको पता है कि ड्यूक 390 को उसकी TFT स्क्रीन के नाम से ही जाना जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भाई कि वो ड्यूक 250 को छोड़कर ड्यूक 390 ना कि पावर के लिए लेते हैं बल्कि बोलते हैं कि भाई हमें इसका जो डिस्प्ले है TFT स्क्रीन वो ज्यादा बेटर लगा। एंड ये बात सच है गाइस, आपको ड्यूक 390 में काफी अच्छी TFT स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी लगती है। प्लस इस वजह से भी लोग इसे बहुत ज्यादा परचेज करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों इस बाइक को खरीदना, क्योंकि बाइक में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी अच्छे मिल जाते हैं। बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है गाइस वो है बाइक की लाइटिंग। गाइस अगर आप ड्यूक 390 की लाइटिंग का लुक देखेंगे सबसे पहले तो इसका लुक जो है वो काफी यूनिक है, बाइक बहुत प्यारी लगती है। बाइक का जो लाइट है गाइस इस बाइक के लुक को काफी ज्यादा बढ़ाता है। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बाइक की लाइट इतनी पावरफुल है कि आपको कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम मतलब लंबी राइड में जा रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो तब वहां पे आपको थोड़ी जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो ऐसे आपको ड्यूक 390 में कोई भी और लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो LED लाइट है गाइस वो काफी ज्यादा ब्राइट है, जो कि स्टॉक लाइट आती है वो मुझे बहुत प्यारी लगी दोस्तों। ऐसा मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ कि इस बाइक की कहीं भी जो लाइट है वो हमें धोखा देगी या आपको लगेगा कि भाई बाइक का जो ब्राइट है वो कम हो। बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है गाइस वो है बाइक का लुक। ऑब्वियसली बात है गाइस आजकल की जो जनरेशन है स्पोर्ट्स सेगमेंट में अगर जा रही है, हमारा जैसा बंदा अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट में बाइक में जाएगा वो तो सबसे पहले बाइक का लुक देखेगा, तो लुक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों जैसे आप ड्यूक 390 को देख ही पा रहे होंगे भाई, KTM की जो ड्यूक 390 है वो काफी प्यारी लगती है। मुझे कहीं से भी नहीं लगता दोस्तों कि ये बाइक अच्छी नहीं लगती। कई लोगों को RC अच्छी लगती है, कई लोगों को ड्यूक 390 अच्छी लगती है, मतलब ड्यूक सीरीज अच्छी लगती है नेकेड बाइक। बट मेरे हिसाब से दोस्तों जो नेकेड बाइक होती है वो काफी बेटर होती है, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टूर कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों KTM ड्यूक 390 का जो लुक है वो भी आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू अदर्स बाइक। अगर आप डोमिनार से कंपैरिजन करोगे तो मैं बोलना चाहूंगा भाई डोमिनार इसके सामने कुछ भी नहीं लगती, KTM ड्यूक 390 इतनी ज्यादा फंकी लगती है। दोस्तों अगर बात करें बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो वह है बाइक के सस्पेंशन। जैसे आपको पता है दोस्तों ड्यूक 390 में फ्रंट में 43mm के अपसाइड डाउन USD फॉक सस्पेंशन आते हैं, काफी अच्छे सस्पेंशन है गाइस, नो डाउट। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं, वो भी काफी अच्छे सस्पेंशन है एपेक्स के सस्पेंशन में, यानी कि आपको इनकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है गाइस वो आपको काफी बेटर मिलेगी, प्रीमियम क्वालिटी की है। एंड वही दोस्तों बात करते हैं बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो वह बाइक का कंफर्टेबल। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो RC में भूलकर मत जाना, RC में आप बिल्कुल राइड नहीं कर पाओगे ज्यादा। अगर आप लोगों को ज्यादा राइड करना है दोस्तों तो मेरे हिसाब से आप लोगों को KTM की ड्यूक 390 या ड्यूक सीरीज वाली ही बाइक परचेज करना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से बाइक ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप काफी कंफर्टेबल राइड कर पाओगे, आपको इस बाइक में कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो मेरे हिसाब से जो KTM ड्यूक 390 ना बहुत अच्छी व्हीकल है। अगर दोस्तों आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो तो आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपको ये बाइक जरूर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, इसलिए दोस्तों मैंने ये बाइक परचेज की है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक के थोड़े डिसएडवांटेज के बारे में। अब आप लोगों को पता है भाई हर बाइक में एडवांटेज होता है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है बाइक में मैं आपको वो बता दूं। भाई बाइक में मुझे सबसे पहला जो डिसएडवांटेज लगा वो क्या लगा पता है आप लोगों को, बाइक का स्टेबिलिटी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बाइक ना रोड में उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाती अगर आप 150 प्लस चला रहे हो। मुझे पता है 150 प्लस ऐसे कोई चलाता नहीं है, बट मुझे पता है कि भाई अगर आप 390 बाइक ले रहे हो तो एक आध बार तो बाइक को भगाओगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एक आध दो बार मैंने कोशिश किया है 160-165, तो वहां पे दोस्तों बाइक की जो हैंडलिंग है ना वो काफी ज्यादा वोबल होने लगती है, काफी ज्यादा हिलने लगती है, मतलब बाइक ना बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं लगती। एंड वहां पे आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आप गिर जाओगे, आपको कोई दिक्कत होगी, आप बाइक से स्लाइड हो जाओगे, आपकी बाइक स्लिप कर देगी, ऐसा आपको इशू देखने को मिलेगा। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस बाइक को अगर आप ले रहे हो तो ज्यादा मत भगाना भाई, बाइक उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रहती। उसका रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है और ये बाइक क्या होती है दोस्तों जो विंड ब्लास्ट है उसको ज्यादा झेल नहीं पाती, और विंड ब्लास्ट होने की वजह से ये बाइक रोड में उतना स्टेबल नहीं रह पाती जितना नॉर्मली इसको स्टेबल रहना चाहिए। एंड वही दोस्तों बात करते हैं बाइक के नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में, तो है बाइक का माइलेज। देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भाई माइलेज अब ऐसा है कि किसी के लिए डिसएडवांटेज है तो किसी के लिए परफेक्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाइक का जो माइलेज है ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बाइक में कम से कम 25-30 के आसपास का माइलेज एटलीस्ट मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप बाइक को थोड़ा सा भी भगा दोगे गाइस, मतलब थोड़ी सी स्पीड अगर आप बाइक को चला दिए तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि दोस्तों अगर
अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप बाइक को थोड़ा सा स्पीड चला रहे हो, तो जैसे नॉर्मल अगर आपका फ्यूल रेंज 90 किलोमीटर दिखाएगा तो सट से वो 40 से 50 60 में आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू मुझे लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता था बाइक की परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बात अच्छी है, बट यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 600-650 सीसी बाइक भी 25 के आसपास का माइलेज प्रोवाइड कर देती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बाइक का जो माइलेज है ना वो उतना बेटर नहीं है, मेरे हिसाब से थोड़ा माइलेज जो है वो बेटर हो सकता था इस बाइक में। एनीवे दोस्तों बात करते हैं बाइक के नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज के बारे में, तो वह है बाइक का हीटिंग इशू। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस हीटिंग इशू बाइक में है पर उतना ज्यादा नहीं है। देखिए मैंने बाइक को यूज की, बस दोस्तों ध्यान रखिए जब आप बाइक को गर्मी के सीजन में चलाओगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट एक्चुअल में दोस्तों आप बाइक को सिटी में भी चलाओगे तो थोड़ा सा हीटिंग इशू आपको फील होगा, बाकी नॉर्मल आप ओवरऑल कहीं भी बाइक को चलाओ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे में दोस्तों बाइक काफी अच्छी है नॉर्मली, दोस्तों मेरे हिसाब से भाई ये बाइक तो काफी बेटर है। डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों को KTM Duke 390 पसंद आती है नहीं आती है, मेरे हिसाब से दोस्तों आप इस बाइक को बिल्कुल परचेज कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सकें।